हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इन्फिनिटिव्स की। इन्फिनिटिव के दूसरे भी पहले वीडियोस में जो है हमने बताया है कि कुछ इन्फिनिटिव जो होते हैं, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर वाइज क्लियर करे हैं कि कैसे आप इन्फिनिटिव की हेल्प से जो है कम्युनिकेशन प्लस ग्रामेटिकल लैंग्वेज जो है, मतलब ग्रामर में जो है, इंग्लिश ग्रामर में आप परफेक्ट हो सकते हैं, जो कि कंपटीशन में भी हेल्प करती है। और उसके साथ ही साथ जो है आप बहुत सारे सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो फार्मूला वाइज हमने इन्फिनिटिव्स के विषय में बात करी है। फार्मूला वाइज हम अपने सारे वीडियोस में बताते हैं कि कैसे एक फार्मूला है, पर्टिकुलरली जैसे मैथमेटिक्स का होता है, अलग अलग डिजिट रख करके उसमें जो है आप अलग अलग सम्स सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह इसमें भी है कि एक फार्मूला है, उसमें अलग अलग वर्ड्स रख करके आप अलग अलग तमाम तरह के हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। हमने इन्फिनिटिव के जो पहले वीडियोज हैं उनमें बताया कि जो है जो कुछ इन्फिनिटिव्स ऐसे होते हैं जो कि वर्ब के साथ यूज होते हैं, डायरेक्ट तुरंत जो है वर्ब आया उसके बाद इन्फिनिटिव आ जाता है, और कुछ होते हैं कि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद इन्फिनिटिव आता है। यहाँ हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कुछ इन्फिनिटिव ऐसे हैं जो कि दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं, उनके बाद एक ऑब्जेक्ट आ भी सकता है या डायरेक्ट इन्फिनिटिव आ सकता है। तो हमने फार्मूला जैसा कि लिख रखा है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस इन्फिनिटिव है, यानी कि ये जो वर्ब है, या फिर जो है सब्जेक्ट वर्ब प्लस एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर उसके बाद इन्फिनिटिव आएगा। तो ये जो वर्ब है, ये जो कुछ वर्ब है जो कि दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं, यानी इनके बाद में एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा तब इन्फिनिटिव आएगा, या वर्ब के बाद तुरंत इन्फिनिटिव आ सकता है। ज्यादातर में जो है मीनिंग सेम रहता है, लेकिन कभी कभी जो है मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं कैसे सेंटेंस बनाएंगे। चलिए देखते हैं वर्ब कौन कौन सी हैं जो कि ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब तुरंत ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा फिर उसके बाद इन्फिनिटिव आएगा, या डायरेक्ट इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो वो है वर्ब है Ask, beg, expect, would, hate, help, intend, like जो है think wise or right, यानी किसी चीज को आप सही समझ रहे हो तो उसके संबंध में like का यूज करते हैं। would like का मतलब enjoy से है, यानी would like जो है enjoy के सेंस में यूज होगा। और फिर उसके बाद है would love है, mean है मतलब समझना, मतलब mean का मतलब प्रेफर है, और वॉन्ट है और विश है। ये कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि जिनके बाद तुरंत इन्फिनिटिव आ सकता है या फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा फिर उसके बाद इन्फिनिटिव आएगा, दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ लिख रखे हैं और बाकी जो है हम एक एक करके ओरली बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ही लाइक्स टू ईट वेल। अब ये जो है ही लाइक्स टू ईट वेल का मतलब हो गया खुद के संबंध में जो है वो पसंद करता है, यानी कि ही लाइक्स का मतलब यहाँ वो सही समझता है इस बात को, जैसे कि हमने बताया है थिंक वाइज और राइट, यानी कि वो इस बात को एकदम बुद्धिमानी पूर्ण समझता है कि वो जो है अच्छा खाना खाना चाहिए। तो ही लाइक्स टू ईट वेल। अब इसी के साथ में जो है जैसे कि हमने बताया ही लाइक्स टू ईट वेल, अब दूसरा जो फार्मूला इसमें जो है इसी वर्ब को जो है लाइक वर्ब को जो है हम ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे ही लाइक्स हिज स्टाफ टू ईट वेल। अब यहां पर जो है ही लाइक्स हिज स्टाफ टू ईट वेल जो है यहां पर एक ऑब्जेक्ट आ गया उसके बाद इन्फिनिटिव आया, तो यहां पर जो है वो ये समझता है बुद्धिमानी पूर्ण, ये सही समझता है कि उसके स्टाफ को भी जो है बढ़िया खाना खाना चाहिए, यानी कि पहले सेंटेंस में जो है वो अपने लिए समझता है कि बढ़िया खाना खाना चाहिए, और दूसरा सेंटेंस जो है जिसमें ऑब्जेक्ट आ गया है तो उसमें ये समझ रहा है कि उसके स्टाफ को भी जो है बढ़िया खाना खाना चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे आई वॉन्ट टू राइड, मैं चाहता हूं कि मोटरसाइकिल सवारी करूं या कुछ कोई भी सवारी करूं, तो आई वॉन्ट अपने लिए, और फिर कह रहा है आई वॉन्ट यू टू राइड टू, और दूसरे सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट आ जाता है आई वॉन्ट यू टू राइड टू, तो यहां पर जो है ये बात कर रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम भी जो है
घुड़सवारी या बाइसिकल की या जो है मोटरसाइकिल की सवारी करो, तो एक सेंस बदल जाता है। सेंस कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो खुद के लिए बोल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो दूसरे के लिए बोल रहा है, ये डिफरेंस आता है। चलिए फिर और कुछ सेंटेंस लेते हैं। आई आस्क टू स्पीक, आई आस्क टू स्पीक टू मिस्टर पिट। अब यहां पर जो है सेंटेंस क्या है, आई आस्क टू स्पीक टू मिस्टर पिट, मैंने खुद पूछा, मैंने पूछा कि मैं खुद जो है मिस्टर पिट से बात कर लू। और दूसरा सेंटेंस है आई आस्क बिल टू स्पीक टू मिस्टर पिट, यहां पर यह कह रहा है कि मैंने बिल से कहा कि वो जो है मिस्टर पिट से बात कर ले। एक अगला सेंटेंस रहता है आई बेग्ड टू गो, और फिर दूसरा आई बेग्ड हिम टू गो। तो यहां पर जो ये बात कर रहा है आई बेग्ड टू गो, यानी कि मैंने प्रार्थना करी खुद के लिए कि मैं जो है चला जाऊं। और दूसरा सेंटेंस ये कह रहा है आई बेग्ड हिम टू गो, मैंने उससे प्रार्थना करी कि वो चला जाए। तो एक सेंटेंस में जो है जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसका सेंस अलग होता है, और जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसका सेंस अलग होता है। चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल ओरली ले लेते हैं और बात करते हैं एक एक करके वर्ब ले करके। जैसे आई आस्क्ड, आई आस्क्ड का एग्जांपल हमने ये बता ही दिया है। जैसे कहा जाए आई आस्क्ड हिम टू गो देयर, मैंने उससे कहा कि तू वो चला जाए वहां पर। और जैसे कहा जाए आई आस्क्ड टू गो देयर, मैंने खुद के लिए पूछा कि मैं खुद वहां चला जाऊं। दूसरा वर्ब है बेग, ये जैसे बेग है तो वही बात आती है आई बेग्ड टू गो, आई बेग्ड हिम टू गो, यानी मैंने खुद के लिए प्रार्थना करी या दूसरे के लिए प्रार्थना करी, दूसरे से कहा कि वो चला जाए। फिर उसके बाद एक्सपेक्ट, जैसे कहा जाए माई पेरेंट्स एक्सपेक्ट टू अर्न मोर एंड मोर मनी, या दूसरे वर्ड्स में कहा जाए कि जैसे माई पेरेंट्स एक्सपेक्ट मी, एक ऑब्जेक्ट आ गया तो माई पेरेंट्स एक्सपेक्ट मी टू अर्न मोर एंड मोर मनी। तो यहां पर जो है माई पेरेंट्स एक्सपेक्ट टू अर्न मोर एंड मोर मनी, मतलब वो खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खुद पैसे कमाएं। और यहां जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो फिर उसके लिए हो जाता है माई पेरेंट्स एक्सपेक्ट मी, यानी एक्सपेक्ट के बाद जो मी आ गया है तो ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जो है ज्यादा पैसे कमाऊं। तो यहीं पर ये ऐसे ही जो है जब भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो उस पर्सन के संबंध में हो जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा डायरेक्ट इन्फिनिटिव रहेगा वर्ब के बाद तो उसका खुद से सेंस आ जाता है, और जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो दूसरे के लिए हो जाता है। चलिए बात करते हैं कुछ और, आई वुड हेट। अब जैसे आई वुड हेट टू गो देयर, आई वुड हेट हिम टू गो देयर, तो वही बात आती है कि आई वुड हेट, मैं खुद के लिए नापसंद करूंगा कि मैं वहां जाऊं। आई वुड हेट हिम कि मैं उसके लिए नहीं पसंद करूंगा कि वो वहां जाए। सिंपल सी बात है आई हेल्प, जैसे आई हेल्प टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, आई हेल्प हिम टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब यहां जैसे आई हेल्प टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, यहां पर जो है एक दोनों में जो है मीनिंग लगभग एक ही सा निकल रहा है। आई हेल्प टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, आई हेल्प हिम टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, यहां पर जो है सेंस लगभग एक ही सा है कि मैंने जो है हेल्प करी क्वेश्चन सॉल्व करने में, और उसकी हेल्प करी कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। फिर उसके बाद है इंटेंड, आई इंटेंड टू गो देयर, आई इंटेंड हिम टू गो देयर। तो आई इंटेंड मतलब खुद के लिए है, और आई इंटेंड हिम टू गो देयर मतलब मैं उस इंटेंशन रखता हूं कि मैं, पहले सेंटेंस में आई इंटेंड टू गो देयर मतलब मैं इरादा रखता हूं कि वहां, इंटेंट का मतलब इरादा रखने से है कि मैं खुद वहां चला जाऊं, और आई इंटेंड हिम टू गो देयर मैं सोच रहा हूं, मैं इरादा रखता हूं कि वो वहां चला जाए। तो इसी तरह फिर अगला है लाइक थिंक वाइज, ये हमने सेंटेंस यूज कर दिया है पहले। फिर उसके बाद आता है वुड लाइक, यानी कि एंजॉय, आई वुड लाइक टू स्विम इन द रिवर, आई वुड लाइक यू टू स्विम इन द रिवर। आई वुड लाइक मतलब मैं खुद अपने लिए एंजॉय मतलब पसंद करूंगा कि मैं रिवर में स्विम करूं, या आई वुड लाइक यू मैं तुम्हारे लिए, मैं चाहूंगा कि तुम भी जो है रिवर में स्विमिंग करो। सिंपल सा है। फिर वुड लव है,
मीन है आई मीन, आई मीन टू डू समथिंग फॉर देम, आई मीन यू टू डू समथिंग फॉर देम, सिंपल सा है, मैं अपने लिए कह रहा हूं और आई मीन यू, और फिर यानी कि मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि तुम उनके लिए कुछ करो। फिर उसके बाद है वॉन्ट है, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट यू टू गो देयर, तो आई वॉन्ट मतलब मैं खुद के लिए चाह रहा हूं कि मैं वहां जाऊं और मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ। फिर उसके बाद विश, सिंपल सा है, वही बात है, आई विश टू स्टे हेयर, आई विश यू टू स्टे हेयर, तो आई विश टू स्टे हेयर मतलब मेरी इच्छा है कि मैं यहां रुकूं, और आई विश यू टू स्टे हेयर का मतलब हो गया मैं चाहता हूं कि तुम भी यहां रुको। आई होप कि ये सेंटेंसेस बनाना क्लियर हो गया होगा, फार्मूला जैसे मैंने बता दिया है, अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसका सेंस अलग हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो उसका सेंस अलग हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर हम कुछ और नई चीजों के विषय में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप दैट यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड वुड सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो, थैंक यू वंस अगेन।